हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर बीएड से संबंधित वीडियो लेकर के आते रहते हैं। और जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज जो वीडियो लेकर के आए हम दोस्तों, बीएड से संबंधित लेकर आए, जो बीएड यूपी बीएड 2021-23 की जो आपका एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। जैसे कि आप दोस्तों, आपको पता ही है कि 6 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था और 26 अगस्त को इसका दोस्तों रिजल्ट आ गया था। लेकिन दोस्तों, हमें इंतज़ार था काउंसलिंग का कि काउंसलिंग कब से होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 17 सितंबर से इसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, यानी शुरू होने वाली है, यानी आने वाली जो 17 सितंबर है, यानी कल। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, बताएंगे कि कैसे काउंसलिंग होगी और किस किस डॉक्यूमेंट की इसमें आपको आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे वीडियो में, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत होगी और किस किस तरह से इसमें आपको काउंसलिंग करानी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप पहले इस खबर को पढ़ सकते हो, नखलो विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर है। सीधी देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूपी जेई बीएड 2021-23। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नखलो विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त में कराई गई उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर से प्रस्तावित है। यानी आप 17 सितंबर से आप अपनी काउंसलिंग रैंक वाइज करवा सकते हो। और इस वेबसाइट पे, जो नखलाऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, इस पे जाकर लॉगिन कर सकते हो। दोस्तों, आगे आपको मेन बात बताते चलते हैं कि और क्या है इसमें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे काउंसलिंग आपको करानी होगी, जो कि वाजपेयी साहब ने यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपकी इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे काउंसलिंग की बात होगी। और काउंसलिंग के राउंड में होगी दोस्तों, ये आपकी काउंसलिंग होगी यहाँ पे बताया गया 4 राउंड में। यहाँ पे बताया गया 4 राउंड में, फर्स्ट राउंड में प्रथम काउंसलिंग, उसके बाद दूसरे में पूल काउंसलिंग होगी, तीसरे में दोस्तों आपको सीधा प्रवेश दिया जाएगा, और चौथे राउंड में आपका जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी अल्पसंख्यक सीटें, उन सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ले के क्या क्या जाना दोस्तों, यानी आप उसके लिए काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, यहाँ पे आपको देख भी सकते हो, लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रोविजनल एलिमेंट, यानी जो आपने पास किया वो आपका सर्टिफिकेट, इसके बाद प्रवेश परीक्षा पत्र, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, मार्कशीट 10वीं की हो, और सभी आयतांक पत्र, यानी आपके जो भी आप यहाँ तक आप जो भी अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेना होगा। उसके बाद सरकार द्वारा मूल फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब आपको इनमें से लेना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस तरह से। उसके बाद शुल्क, देखिए शुल्क आपको जमा करनी होती है। इसमें आपको 700 रुपये जो होती है काउंसलिंग फीस होती है, और 5000 रुपये आपको शुल्क जो देनी होती है आपको कॉलेज में, वो देनी होती है। तो दोस्तों, किस तरह से शुल्क देनी होगी, कितनी शुल्क देनी होगी, ये हम आपको आगे बताएंगे। और आपको दोस्तों, विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट पे लेकर चलते हैं दोस्तों, कि किस तरह से कौन से राउंड में कितने रैंक तक की आपकी जो है काउंसलिंग होगी। तो हम आपको वेबसाइट, यानी मेन वेबसाइट पर लेकर चलते हैं दोस्तों, नखलाऊ विश्वविद्यालय के। दोस्तों, आप खुद भी जा सकते हो, खुद भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल आप खोल लेंगे। यहाँ गूगल खोलने के बाद दोस्तों, आप गूगल खोलने के बाद आप इसमें आप डायल कर सकते हो, चाहे तो आप नखलाऊ विश्वविद्यालय डाल सकते हो या फिर आप सरकारी रिजल्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने सरकारी रिजल्ट डाल दिया। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका आइकन है, ये वाला, यहीं से पहला आइकन खोलने के बाद यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा, नीचे आपको दिख रहा होगा यूपी बीएड, यहाँ आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन में, यहाँ RR यूपी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी और डिटेल जानकारी ले सकते हो और अपनी काउंसलिंग यहीं से करा सकते हो। तो दोस्तों, देखिए कैसे कैसे करानी है काउंसलिंग, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और दोस्तों, यहाँ पे सब चीज़ बताई जाएगी कि किस राउंड में आपकी काउंसलिंग है। तो सबसे पहले यहाँ आप पढ़ सकते हो इसमें कि
यहाँ पे लिखा कि देखो पूल काउंस यानी 4 राउंड में काउंसलिंग होगी। नकलो विश्वविद्यालय द्वारा कंबाइंड प्रवेश गाइडलाइन जारी कर दें, 4 राउंड में आयोजित होगी। पहले चरण में काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराना होगा, दूसरे में पंजीकरण के बाद 750 रुपये देने होंगे, उसके बाद 5,000 रुपये कॉलेज यानी 5,750 रुपये सारे करने होंगे। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज मिल जाएगा। नंबर 4 पर आपको कॉलेज पसंद करने के लिए आखिर में लॉक करना होगा और 5वें चरण में आपको कॉलेज आवंटन का प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा और 6ठे चरण में आप कॉलेज में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी आपकी चरण की बात, किस किस तरह से काउंसलिंग करानी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आ जाती है आपका कि काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा भी हुआ यानी दस्तावेज की जो भी है मूल और स्व प्रमाणित यानी आप अपने आप जो है टेस्ट कर लेते हैं, इसके लिए पासबुक, बैंक की पासबुक और उसके लिए प्रिंट आउट लेना है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल का चल जाएगा, योग्यता मार्कशीट, परीक्षा यानी प्रमाण पत्र जो आपने दिया, और ये सब आपके पास होंगे ही, आप सब जानते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, आगे आपको हम बताएंगे कि कौन से राउंड में कितने यानी कौन से राउंड में कितने रैंक तक की आपकी काउंसलिंग होगी। तो सबसे पहले 17 के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि 17 के लिए आपको जो है 17 से फर्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा और यहाँ आपको दिखा देते हैं, यहाँ क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ क्लिक करके आपको ये पता लग जाएगी कि दोस्तों आपके जो है कौन से राउंड में आपको दोस्तों कितने रैंक तक की कौन से राउंड में आपकी जो है ये आपकी काउंसलिंग होगी। देखिए इसमें पहले में काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में, दूसरा पूल काउंसलिंग सेकंड राउंड और सीधा प्रवेश तीसरे राउंड में, और डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा यानी डायरेक्ट एडमिशन के बाद आपका ऑप्शन के कोटे की जो सीट है वो भरी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों क्या क्या चाहिए, यहाँ सब कुछ डिटेल आप देख सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, आप खुद जा कर के आप वेबसाइट पर जा कर के खुद आप पढ़ सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक इसमें बात नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, 15 पेज का है ये, उसके बाद हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि इसके लिए आपको यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना कि कौन से राउंड में कौन सी आपकी जो है काउंसलिंग होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ये आपका जो है डिटेल आ जाती है, यहाँ सितंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे सितंबर 17, 18, 19, 20 यहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना फेज़ फर्स्ट की, यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी और एक यहाँ रैंक लिखा 1,000 से 1 से लेकर 75,000 तक आपके यहाँ काउंसलिंग होगी। इसके बाद 21-22 में आपको चॉइस फिलिंग करनी है ये सब, और इसके बाद 23 तक करनी है, और इसके बाद 24-25 में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कॉलेज, और इसके बाद क्या होगा उसके बाद से फिर से दूसरे राउंड की यानी काउंसलिंग चल जाएगी। यहाँ पे देखिए सेकंड फेज वाली यानी आपकी जो है 75,000 से 2 लाख तक की जो आपकी रैंक होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप जान चुके होंगे और मुझे आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता, आप खुद वेबसाइट पे जा कर के इसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे लगे हमारी वीडियो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।